भरो आंदोलन की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी इतने समय से, वह जेल भरो आंदोलन आज कहीं ना कहीं सत्य होता नजर आ रहा है। जब जिला कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन दिया और इस धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे सड़क को जाम कर दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री के भाई और कांग्रेसी गुड्डू गुप्ता को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद लगातार 24 से 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है, इसमें जिसमें डॉक्टर अजय कुमार, साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां सहित कई तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। देखें किस तरह से यह हिरासत में लेने का जो सिलसिला था वो चला, ताकि पूरी सड़क व्यवस्था जो है वापस से सुचारू रूप से बहाल की जाए। चूँकि आंदोलन के कारण सड़क में आवागमन जो था वो लोगों का वो ठप हो चुका था, ऐसे में SDO के नेतृत्व में ये पूरी कार्यवाही की गई। देखिए पूरी यह कार्रवाई। मेजॉरिटी जो लोग रोड पर, क्योंकि हमारा मेजर इशू था, हमको आंदोलन से कोई इशू नहीं है, किसी तरीके का प्रोटेस्ट से कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारा मेजर इशू था कि रोड जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो है जिला समाहरणालय के सामने तो रोड जाम की स्थिति थी। हमारा प्रयास यही था कि या तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है तो रोड से साइड में हटके कीजिए, या जो लोग ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो रोड को जाम कर रहा था, उनको अरेस्ट करके थाना भेज दिया गया है और रोड को जो जाम की स्थिति उसको खुलवा दिया गया। कितने लगभग अरेस्टिंग हुए होंगे? लगभग 20-30 लोग जो है अरेस्ट करके थाना भेज दिए गए। वो बात का विषय है, अभी का विषय हमारा केवल ये था कि रोड जाम की जो स्थिति थी उसको खुलवाना, जिससे आमजन को कोई इशू ना हो। वो बात का विषय है, एक बार अभी सबको अरेस्ट करके थाना भेज दिया गया है, वहाँ बिठाया जाएगा, उसके बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है वो थाना द्वारा पूरी की जाएगी।